हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज एक मसीही जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है तो वह मसीही पाप में गिरता चला जा रहा है। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। तब आपको उसी आग की झील में डाल दिया जाएगा जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहाँ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। तब आपको उसी अनंतकाल की आग में जलना पड़ेगा। तब हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा। तब आपको उसी अनंतकाल की आग में जलना ही पड़ेगा। इतनी भयानक झील होगी, उस झील में करोड़ों सैकड़ों आत्माएँ तड़पती होंगी। इतना हाहाकार मचा होगा। यीशु ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी मगर ये मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यीशु ने जो कहा है अपने वचन में वह होके ही रहेगा। फैसला बाप के हाथ में है, बताना मेरा काम है जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। फैसला अब आपके हाथ में है, स्वर्ग जाना चाहते हो कि नर्क जाना चाहते हो। वचन एक जैसा है सबके लिए, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति हो, जैसे मत्ती 12:36 वचन में लिखा हुआ है। और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो जो मनुष्य अपने मुँह से निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से शिक्षा देती है, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति। तब आपको जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, और जो जो मनुष्य अपने मुंह से गालियां देते हैं और गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, एक दूसरे के लिए गालियां देते हैं, वे सब अपना अपना लेखा परमेश्वर के सामने देंगे। अभी आपके पास अवसर है, संभल जाओ और बचा लो अपने आप को नर्क जाने से, क्योंकि वह एक दो दिन के लिए युगानुयुग के लिए नर्क में डाला जाएगा। तैयार हो जाओ और हरा दो उस शैतान को। वचन से इसलिए पौलुस ने भी कहा था मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अरे जब आप वचन पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो तुम शैतान को कैसे हरा पाओगे? शैतान को तलवार और लड़ाई करके नहीं हराया जा सकता है, सिर्फ उसको वचन से हराया जा सकता है। जो मसीही वचन में मजबूत होगा वही शैतान को हरा पाएगा, और जो मसीही वचन में कमजोर होगा वही उस शैतान की जाल में फंस जाएगा। इसलिए बाइबल पढ़ो या मसीह विरोधी के हाथ में मत पढ़ो। अगर यहाँ पर कोई रह जाएगा तो उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना इस पृथ्वी पर। परमेश्वर के दिन में उस 7 साल में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। बाइबल में बताती है एक बार मरना और फिर उसका न्याय करना बहुत जरूरी है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है, मगर आज मनुष्य सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नर्क जाए, परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाए और अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे बेटे बेटियां नर्क जाएं। सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी गुड बाय बोल दो, वरना यही हस्ती एक दिन आपको डुबा के रख देगी, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नर्क जाने से, क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा, और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर आपको नर्क में फेंक देगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? जो व्यक्ति नर्क में जाएगा, कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देखकर अपना जीवन मत बिताओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु साफ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन के लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय किया जाएगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब वही लिस्ट खोल के आपको दिखाया जाएगा। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं, केवल न्याय किया जाएगा, और उसी न्याय के आधार पर आपको नर्क में डाल दिया जाएगा। स्वर्गदूत घसीट कर आपको नर्क में फेंक देंगे।
इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर। आज लोग यीशु मसीह को खिलौना बना के रख दिया है कि यीशु मसीह है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, तब आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे। यीशु ने कहा था आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे लात मार के गिरा दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था, और वही शैतान हर स्थानों पर अपनी जगह बनाकर बैठ गया है। जैसे लिखा है यशायाह की पुस्तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जात जात को हरा देता था, अब तू कैसे काट के भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। परमेश्वर ने उसे इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा। परमेश्वर ने उसे करूब के रूप में रचा था। वह अपनी सुंदरता के कारण और पद के कारण घमंड से भर गया, और वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। मगर परमेश्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको, उसकी और उसकी सारी सेना को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं अपनी जगह बनाकर बैठ गई हैं हर स्थानों में। और उस शैतान को गिरने से पहले एक नाम दिया गया था, और उसका नाम लूसीफर है, और उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था। जैसे प्रकाशित हुआ कि 20:14-15 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और संसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा, तो उसे स्वर्गदूत उठाकर आग की झील में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे। फिर उसे वहाँ से कोई निकालने के लिए नहीं जाएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। अभी अवसर है और संभल जाओ, वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पढ़ना है।